आज की डेट में 90% टीनेजर लड़के लड़की के पीछे बर्बाद हैं। अच्छा, इतना ज्ञान दे रहे हो, आपकी भी तो कोई गर्लफ्रेंड होगी? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा था काम की वजह से। फिर मुझसे बहुत ज्यादा लड़ने लगी कि तुम मुझे टाइम नहीं देते। मैंने सोचा इसका भी कहना ठीक है। फिर मैंने उसे मतलब अगले दिन आराम से टाइम निकाल के ब्लॉक मार दिया और नंबर डिलीट कर दिया। वेरी गुड भाई, टाइम देना ठीक है, हर समय थोड़ी ना लगे यार। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, खीरा, गाजर, मूली, बर्गर में। हाँ दीदी, तो भावना में रह गई। सही कह रही हो। अबे भाई साहब। जी बोलिए। डी वो आपके हस्बैंड को बुला दीजिए। एक मिनट। क्यों, ये पड़ोसन तुमको क्यों बुला रही है? चलो देखते हैं। ये बाल पकड़ के कौन पूछता है भाई। हाय। हेलो, आपका नंबर चाहिए था। देखिए भाभी जी, 75 घर होंगे इस मोहल्ले में और 36 बार मेरी बीवी ने तुमसे बात करने के लिए मना कर दिया है और 2 बार तुम इस घर में आई तो 3 चांटे मारूंगा तुम्हारे घर पे और भगा दूंगा। और वैसे भी मैं हुई कौन तेरा? बहुत सही बेटा। घर पे लाइट लेते रहते, तेरे को कुछ भी नहीं आता ये वो बोल के आज अपन भी जबरदस्त मैगी बना ली, खाएंगे आओ। निकल गई। निकल यार, ये तो बेसिक हाइजीन है, साफ सुथरा तो होना ही चाहिए सब। बिल्कुल, मैं तो सर्दियों में भी ठंडे पानी से आता हूँ 2 बार। अच्छा। सुबह भी और शाम में भी। अच्छा जी। और एक ये भाई, खोलते हुए पानी से नहाती है, एकदम गर्म पानी से। मैं तो 5 सेकंड ना खड़े हो सकूं इसके साथ शावर में। ओ हेलो। हाँ। ये क्या बात हुई बोलने वाली कि मैं 5 सेकंड ना खड़ा हो सकूं? गुड़िया का दम घुट रहा है। अबे कौन गुड़िया? गुड़िया का दम घुट रहा है, हाथ हटा के बात कर। कुछ क्या बदतमीजी है? और इसको कैसे पता कि तुम गर्म पानी से नहाती हो? इसको कैसे पता तुम गर्म पानी से नहाती हो? दिमाग के पैडलों पे से पैर हटा लिए क्या? हवा में एक पैर है? ये तो दुनिया जानती है कि लड़कियां खोलते हुए पानी से नहाती हैं, गर्म पानी से नहाती हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो। बहुत सही, मतलब क्या साल हो गए तुम्हें इसके बारे में? 3 साल में अपनी गर्लफ्रेंड को जानने की कोशिश नहीं करी? जैसे उसने चोरी से नंबर दिया अपना, बातों बातों में बाल्टी में झाड़ने की तरह जैसे उसने भी स्लिप कर लिया। आइंस्टाइन मेरे माथे पे सी नहीं लिखा हुआ, च लिखा हुआ, च। मैं तो ऐसे लड़कों से बात भी नहीं करना चाहता जो सुबह ऑफिस आके पेट साफ करते हैं अपना। छी, ये सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता कैसे नहीं? और मुझे पता करना भी नहीं है, दफा हो जाओ। नहीं दफा नहीं हो जाओ, मैं तो कहता हूँ इसके मुंह में पानी गर्म करने वाली रॉड दे दे, जबड़ा लगा क्यों है अभी तक? देख भाग गया ये। अब मैं बताऊंगी भी नहीं। मुझे बताओ और हमारे बारे में कुछ मत बताओ। Alexa, please turn on the TV. Alexa, can you please give me towel? Alexa, can you make 1 cup of tea for me? Alexa, can you serve some food for us and give rice in different plate? अरे भाई साहब, Alexa तो डिवाइस है ना, वो ये सब काम भी कर लेती है। अबे Alexa मेरी वाइफ का नाम है। भाई के साथ सब दो हो गया। वाह 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 वाह। व
वाह, दो दो शादीशुदा भाभियां सेट हो गई इनसे। अबे एक साथ दो। कलम दोनों चेकअप करा के गए थे, रिपोर्ट में क्या आया? एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। अच्छा। पहले क्या बताऊँ? गुड न्यूज ही बता दीजिए। मिसेस सक्सेना आप माँ बनने वाली हैं। अरे वाह, और बैड न्यूज? इंसाफ चाहिए मुझे। तुम इस पापी का पाप पल रहा है मेरी कोख में। यही थी बैड न्यूज। राहुल वाह, मैं दिन रात तुम्हारी सेवा करती थी, तुम्हारे अलावा कभी किसी पराए मर्द के बारे में मैंने सोचा तक नहीं। मत रो बहन, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। एक बार मेरी बात तो सुन लो। बस अब बचा ही क्या है कहने को, तुम्हारे अलावा किसी गैर मर्द को पास तक नहीं आने दिया मैंने। ओहो। मगर तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो। अरे सक्सेना जी, बैड न्यूज तो सुन लो। बता दो, अब इससे भी ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है? जो कल आप चेकअप पर आए गए थे ना, उसमें साफ साफ लिखा है आप कभी बाप नहीं बन सकते। भैया फोन का कवर दे दो। ये लो भैया। क्या सोच है तेरी? ये वाला बेकार है, ये वाला सही है। हाँ नहीं, पर ऐसे गिरेगा तो डिस्प्ले टूट जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये वाला सही है। फोन डाल के देखता हूँ। ये दे दो भैया। गुस्से में जब ये फोन फेंक। बच गया।